हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा क्रॉल स्टेट्स। क्रॉल स्टेट्स क्या होते हैं, क्रॉल स्टेट्स रिपोर्ट क्या होती हैं, और क्रॉल स्टेट्स रिपोर्ट्स को जो हम गो थ्रू करते हैं वो गूगल सर्च कंसोल में किस तरह करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं और क्या होता है। तो मैं फ्रेंड्स पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम सर्च कंसोल में जाते हैं, तो जब सेटिंग्स में जाएंगे आप, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा क्रॉल स्टेट्स। तो पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि क्रॉल स्टेट्स रिपोर्ट क्या होती है। फ्रेंड्स, क्रॉल स्टेट्स रिपोर्ट्स में क्या होता है कि क्रॉल स्टेट्स रिपोर्ट्स ये बताती है कि गूगल में लास्ट, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं कि 1.42 मिलियन क्रॉल रिक्वेस्ट लास्ट 90 डेज। रिपोर्ट ओपन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डेटा क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 1.42 मिलियन लगभग 14,20,000 कॉल रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं लास्ट 90 दिनों में हमारी जो वेबसाइट है इस पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि जितनी ज़्यादा कॉल रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं हमारी वेबसाइट के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। कहीं उसमें कहीं ना कहीं एक सिग्नल ये जाता है क्रॉलर्स को, और इससे ये पता चलता है कि क्रॉलर्स को कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट का कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं हम अपनी वेबसाइट पर ऑन अ रेगुलर बेसिस काम कर रहे हैं, हमारा जो कॉन्टेंट है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तभी क्रॉलर उतनी क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है हमारी वेबसाइट पे, अपने होस्टिंग पे, कि हमें इस वेबसाइट की, इन वेब पेजेस की रिक्वेस्ट वो जनरेट कर रहा है जो हमारी होस्टिंग होती है, जो हमारा सर्वर होता है उस पर, ताकि ये पेज प्रॉपरली लोड हों और वो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको क्रॉल करके उनको इंडेक्स कराए सर्व पे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कीवर्ड रैंक करेंगे, हमारे पेज जितने ज़्यादा इंडेक्स होंगे, जितने ज़्यादा सर्प पे होंगे, उतना ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रॉल स्टेट्स रिपोर्ट क्या होता है कि टोटल, जैसे मैंने बताया, क्रॉल रिक्वेस्ट बताता है कि कितनी रिक्वेस्ट जनरेट करी क्रॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं इस रिपोर्ट को फ्रेंड्स ओपन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं लास्ट अपडेट हुई है 15 नवंबर 2023। ये जो डाटा है, ये डेटा में ये आपको दिखा रहा है कि 1.42 मिलियन लास्ट 90 डेज़ में। इसका मतलब मैंने जैसे बताया 14,20,000 क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं हमारी वेबसाइट पे, मतलब हमारे होस्टिंग्स, हमारे सर्वर पे, कि भाई क्रॉलर्स ने रिक्वेस्ट जनरेट करी है कि मुझे इतनी रिक्वेस्ट उन्होंने जनरेट करी है कि इतने पेज उनको उन पेजेस पे रिक्वेस्ट जनरेट करी है कि भाई इनको लोड किया जाए, जब वो लोड होंगे तो वो इंफॉर्मेशन गो थ्रू करके उनको इंडेक्स करेंगे या रैंकिंग प्रोस्पेक्टिव से उनको रैंकिंग वाइज हमारे कंपटीटर के कंपैरिजन ऊपर या नीचे करेंगे सर्व पे। सेकंड, आप ये पॉइंट देख सकते हैं टोटल डाउनलोड साइज इन बाइट्स 11.9 बाइट्स। इसका मतलब ये है कि जब जब क्रॉलर हमारे वेब पेजेस पे आए होंगे तो उन्होंने कुछ रिसोर्स डाउनलोड करे होंगे इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। तो ये टोटल डाउनलोड साइज़ है कि इतना कंटेंट कह सकते, कंटेंट तो नहीं फ्रेंड्स, कुछ रिसोर्सेज होते हैं क्रॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उन्होंने डाउनलोड साइज़ करा। थर्ड है हमारा 240 एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इन एमएस मिलीसेकंड। मतलब जब क्रॉलर्स ने होस्टिंग, मतलब जो हमारा जहाँ पे होस्टिंग सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट जन करी तो 240 मिलीसेकंड में वो पेज लोड हुए, वो पेज अवेलेबल हुए क्रॉलर्स के लिए, कि उनके रिक्वेस्ट पे वो पेज अवेलेबल हुए इन 240 मिलीसेकंड, ताकि वो उसको क्रॉल कर सकें और इंडेक्स कर सकें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, हम जैसे नीचे आते हैं, आप समझ सकते हो ये जैसे होस्ट है, इसमें ये कहना जाता है इस पॉइंट का ये कि हमारे जो होस्टिंग साइट है, जहाँ पे हमारी होस्ट है, जहाँ वेबसाइट हमारी जो एक सर्वर अलॉट हो रखा है, उस होस्ट की बात की जा रही है कि उसके क्या इश्यूज रहे हैं लास्ट 90 डेज में। तो फ्रेंड्स, में बताया गया है कि 14,20,474 ये प्रॉब्लम इन पास थी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉब्लम हैड होस्ट, जस्ट अ मिनट, तो हाँ, जैसे आप देख सकते हैं होस्ट हैड प्रॉब्लम इन पास्ट, ऑल दो गूगल डिडेंट फेस एनी डिफिकल्टी क्रॉलिंग और साइट रिसेंटली, दिस वॉजेंट द केस अर्लियर, लुक इन टू द प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स। इसका मतलब फ्रेंड्स ये कहना चाह रहे कि जो भी इश्यूज थे वो पास्ट में थे, अब ये प्रेजेंट में क्रॉलर जब होस्टिंग को रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारी वेबसाइट के पेजेस के लिए, तो अभी कोई इशू क्रॉलर को नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट
जनरेट करने में, और उनकी जब रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो वो पेजेस लोड होते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया कि 240 मिली सेकेंड के अंदर वो पेज सारे हमारे अवेलेबल हो रहे हैं क्रॉलर्स के लिए टू गो थ्रू ऑल द पेजेस। तो जैसे जैसे फ्रेंड बताया गया रोबोट टेक्स, अगर ये सारे पॉइंट्स ग्रीन है फ्रेंड्स तो इट मीन्स ये अच्छी बात है, रेड होते तो हमें उस पर काम करना पड़ता, लाइक रोबोट डॉट टी एक्स टी फैच एक्सेप्टेबल फॉल रेट। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्टेबल फॉल रेट है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये नहीं कि वो मतलब जैसे कहते हैं ना कोई कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसमें फिर क्या होता है कि हमें उसमें काम करना पड़ता है, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट के लिए उसको गो थ्रू करना पड़ता है। तो जो भी एक्सेप्टेबल फॉल रेट इसमें भी रहा है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल रहा है फ्रॉम क्रॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। डीएनएस रेजोल्यूशन एक्सेप्टेबल फॉल रेट, ठीक है। सर्वर कनेक्टिविटी एक्सेप्टेबल फॉल रेट रिसेंटली बट हाई इन द पास्ट। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सर्वर कनेक्टिविटी का जो इशू था वो अब एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो पहले ज़्यादा था। तो इट मीन्स जैसे आप ये देख सकते हो, अगर मैं 20 अगस्त की बात करूं तो फॉल रिक्वेस्ट जो थी, फेल्ड कॉल रिक्वेस्ट 0.4% थी, ये हाई हुई 8% पे, नाउ ये अगेन 0.1% है। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो क्रॉलर्स ने रिक्वेस्ट करी सर्वर साइड कि भाई मुझे ये सारे पेजेस आप प्रोवाइड कराइए, लोड करवाइए एज़ पर माई रिक्वेस्ट, मुझे गो थ्रू करना है, तो अगर मान लीजिए 10 रिक्वेस्ट की गई तो उसमें से 9.99 इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 100%, तो 99.9 रिक्वेस्ट फेल्ड हो गई, वो पेज अवेलेबल नहीं हुए क्रॉलर्स को फॉर क्रॉलिंग प्रोस्पेक्टिव। तो ये एक अच्छी बात नहीं थी, ये फिर आगे बढ़ी, ये अगर आप देखें अक्टूबर 22 में 8% हो गई, 21.1% दिखाई देगी भाई, 21.1% फेल्ड हुई है हमारी रिक्वेस्ट। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो फेल्ड क्रॉल रिक्वेस्ट की बात है 0.1%। अच्छी बात यह है कि अब हमारी जो जो फेल्ड कॉल रिक्वेस्ट है वो 0.01% रह गई है, मतलब 99.9% एक्सेप्ट हो रही हैं, एक्सेप्टेंस रेशो अब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पास्ट। पहले हमारी अच्छी थी यहाँ 0.1%, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए 21% फेल्ड हो गए, मतलब 79% एक्सेप्ट हुई, 100 पेज बोले गए तो 79 पेजेस अवेलेबल हुए, 21% एक्सेप्ट नहीं हुई। अब धीरे 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 अगेन ये 0.1% पे आ गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब अगर क्रॉलर्स ने सर्वर को कोई रिक्वेस्ट करिए कुछ पेजेस की, अ बंच ऑफ पेजेस की, तो अब केवल 0.1% ही फेल हो रही है एज कम्पेयर टू पास्ट, लाइक हेयर इट्स 6.7%, 21.1%, which is good thing। So ये बात हो गई हमारी host status की। Now just a minute, अब हम back पे जाते हैं। अब है buy response। इसमें point ये है friends कि जैसे आप देख रहे हैं एक OK200 server 5XX not found 404 move temporarily 302 move permanently 301। Friends हम ये चाहते हैं जब crawlers हमारी website पे आए तो जितना हमारे प्रोडक्टिव पेज हैं, जो हमारे की फैक्टर कीवर्ड्स होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट सर्विस पेजेस होते हैं, हम चाहते हैं क्रॉलर्स उन पे ज़्यादा आए, उन पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें। मैंने इससे पहले भी आप ये वीडियो देख सकते हैं आई बटन में, कि मैंने ये बताया था कि क्रॉल जो बजट होता है, एक मैंने आपसे डिस्कस करा था, वो एक क्रॉलर अपना बजट लेके आता है, अगर वो क्रॉल बजट मान लीजिए 10 मिनट है, 15 मिनट है, ये मैं बता रहा हूँ आपको एक मोटा मोटी एग्जांपल लेके, अगर उसमें से वो आपके नॉट फाउंड पेजेस, मूव टेम्परेली, मूव परमानेंटली, इन पेजेस पे अपने 8 मिनट ख़राब कर देगा, तो क्या हुआ, 2 मिनट बचे उसके पास, 2 मिनट वो हमारे अच्छे पेज पे स्पेंड करेगा, तो वो, और अगर ऑलरेडी वो पेज इंडेक्स्ड है, ऑलरेडी वो पेज इंडेक्स है, जो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, रिफ्रेश 87%, जिन पे डाटा हमने कुछ चेंज करा, रिफ्रेश है ऑलरेडी, वो अच्छे रैंक कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कोई फ़ायदा हुआ, क्रॉलर अपना टाइम लेके आए, लेकिन हमने उनको, उस क्रॉलर को बेफजूल के पेजों में उलझाए रखा, जिससे क्रॉल बजट जो था वो ख़राब हुआ। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर इस स्टैट को देखा जाए कि जो 200 पेजेस हैं उसने 97% स्पेंड करा, मतलब जो हमारे अच्छे पेजेस थे, तो ओके 200 कोड यही होता है, हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट करी किसी ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पेज लोड हुआ और वो पेज एग्जिस्ट करता था, जो कंटेंट वो प्रॉमिस कर रहा था कीवर्ड रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ वो कंटेंट मिला, तो अच्छी बात है 97% क्रॉलर उस पे रहा। और ये सबसे अच्छी बात है कि 1% उसने अपना जो टाइम ख़राब करा वो सर्वर एरर 5XX पे करा, नॉट फाउंड लेस देन 1%, लेस देन 1% 302, लेस देन 1% 301, तो यहाँ
अगर उसने क्रॉल बजट भी खराब करा तो बहुत मिनिमल करा। गुड थिंग इज 97% उसने अच्छे पेजेस पे अपना क्रॉल बजट इन्वेस्ट करा एक क्रॉल लर्निंग। लाइक बाय फाइल टाइप, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं HTML, इमेज, JavaScript, CSS, JSON, लाइक ये स्कीमा हो गया, ये सारे जो कोडिंग पार्ट हो गए, इमेज फाइल हो गए, HTML फाइल हो गए, यहाँ पे भी उन्होंने अपना जो क्रॉल बजट दिया 42% करा, इमेज पे 4% स्पेंड करा, जावास्क्रिप्ट पे लेस देन 1%, CSS पे लेस देन 1%, स्कीमा मार्कअप पे लेस देन 1%। सो गुड थिंग अबाउट दैट कि जो हमारे जो क्रॉलर्स आ रहे हैं वो क्रॉल बजट लेके मैक्सिमम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारे अच्छे पेजेस पे कर रहे हैं। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, जैसे मैं आपको बोल रहा था ओके 200 और रिफ्रेश बाय पर्पज, रिफ्रेश 87%, डिस्कवरी 13%। रिफ्रेश का मतलब ये होता है फ्रेंड्स इन क्रॉल स्टेट रिपोर्ट में GSC में कि 87% ऑफ क्रॉलर्स स्पेंड देयर क्रॉल बजट, स्पेंड देयर क्वालिटी टाइम ऑन दोज पेजेस विच आर ऑलरेडी बींग इंडेक्स्ड एंड विच आर ऑलरेडी बींग रैंक्ड इन अ गुड पोजिशन एंड ऑन सर्प, यू कैन से टॉप 10 पेजेस, टॉप 15 पेजेस, टॉप 20 रिजल्ट या टॉप 5 रिजल्ट। मतलब जो हमारे अच्छे पेजेस थे उन पे क्रॉलर दोबारा आए, बार बार आ रहे हैं, तो 87% जो क्रॉल बजट है वो उन पेजेस पे हो रहा है जो कि हमारे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। डिस्कवरी 13%, ये भी एक अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स कि 13% क्रॉलर्स उन पेजेस पे क्रॉल रिक्वेस्ट आई जनरेट, उन पेजेस पे क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट की गई 13% जो पेजेस नए थे, जो पेज नए इंट्रोड्यूस हुए थे, कंटेंट नया लिखा गया था। तो फ्रेंड्स ये भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं क्रॉलर इस्टेब्लिश पेजेस पे तो जा रहा है लेकिन क्रॉलर उस पेज पे भी जा रहा है जो हमने कंटेंट न्यू ऐड करा या कोई हमने वेब पेज न्यू ऐड करा तो उस पे भी गो थ्रू हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये बाय पर्पस का पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये गूगल बॉट टाइप, ये वो पॉइंट्स हैं, ये फोर पॉइंटर्स हैं फ्रेंड कि किन रिसोर्सेज थे क्रॉल बजट क्रॉलर्स हमारे उस पॉइंट पे आए, लाइक पेज रिसोर्स लोड, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, इमेज, एड्स बॉट, ये सारे गूगल बॉट टाइप हैं कि किन 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 रिसोर्सेज से जो बॉट्स हमारे वेबसाइट पे आए, जो उन्होंने सर्वर साइट पे या होस्टिंग साइट से रिक्वेस्ट जनरेट करी वो ये सारे बॉट हैं। तो फ्रेंड्स ये था क्रॉल स्टेट्स रिपोर्ट इन GSC। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा इन अ नटशेल कि क्रॉल स्टेट रिपोर्ट हम इसलिए गो थ्रू करते हैं क्योंकि जो हमारे दो फॉर्मोस्ट रोल होते हैं कि इंडेक्स, फर्स्ट क्रॉलिंग इंडेक्सिंग, रैंकिंग रिट्रीवल, तो बात का आता है कि पहले क्रॉलर क्रॉल करेगा वेबसाइट को, जब उसे कुछ अच्छा लगेगा, कुछ रेलिवेंट लगेगा कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसे इंडेक्स करेगा। तो क्रॉल रिपोर्ट इसलिए ज़रूरी होती है कि हमें ये पता चल जाए कि भाई किस गिवन टाइम में क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं, वो एक अच्छी बात होती है कि जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट जनरेट होंगे, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 162,326, ये आपके अगस्त 26 में क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी, तो ये कितनी अच्छी बात है कि उस टाइम होती, मतलब कहीं ना कहीं क्रॉलर्स को हमारी वेबसाइट में कुछ कंटेंट अच्छा लग रहा है, वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो अगर वो इतने रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो मान लीजिए 162,326 की रिक्वेस्ट जनरेट हुई और अगर उनको कंटेंट पसंद आ गया, एटलीस्ट उन्होंने 162,000 में हटा दूं अगर इंडेक्स कर लिए पेजेस, तो आप सोच सकते हो कि ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अच्छी बात है कि हमारा कंटेंट इंडेक्स हो रहा है, हमारे वेब पेजेस इतने इंडेक्स हो रहे हैं सर्प पे। धीरे 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 ये डाउन हुआ, 34,000 हुआ, 24,000 हुआ, नाउ ये अभी 4,215 है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस वेबसाइट अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, गूगल ट्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, कीवर्ड्स डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग, हम मतलब अगर देखा जाए तो हम सबको इस वेबसाइट पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना पड़ेगा कि क्रॉल रिक्वेस्ट हमारी जनरेट हो। क्यों बंद हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉलर्स ने ये देखा कि भाई यहाँ पे तो कंटेंट ना तो अपडेट हो रहा है, वो एक घिसा पिटा कंटेंट है, कुछ इस कंटेंट पे काम नहीं हो रहा, तो इसलिए क्रॉल रिक्वेस्ट हमारी धीरे 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 कम हो गई, तो हमें उस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये ग्राफ अगर ऊपर नीचे होता रहे तो एक अच्छा माना जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पे एकदम जस्ट हाई राइज हुआ, उसके बाद ये जस्ट डिबेकल सा स्टार्ट हो चुका है, विच इज़ नॉट गुड साइन। सो क्रॉल स्टेट्स
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रॉस शॉट में जो होस्टिंग पार्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें ये पता चल जाता है, कई बार क्या होता है हमारी वेबसाइट में कुछ इशू नहीं होता, मतलब वेबसाइट में हमारा ऑन पेज अच्छा होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट अच्छा होता है, सब कुछ है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है, क्या पता हमारे होस्ट में प्रॉब्लम हो कि क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर तो आया लेकिन होस्ट से उसे पेज उस हिसाब से लोड नहीं हो रहे, लोड होस्ट जो पेज लोड होने में इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या होता है क्रॉलर वापस चला जाता है। तो होस्ट स्टेटस भी इस क्रॉल स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है और हम उस पर काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था क्रॉल स्टेटस रिपोर्ट इन जीएससी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करा। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी इस इन्फॉर्मेशन में लगा हो कि कहीं मेरा फ्लॉ हो या कहीं मैंने कुछ गलत बताया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए। और आपको कोई इशू है कि आपको कोई टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं मैं फ्यूचर बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।